नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं लीवर की समस्या होने पर मरीज को बॉडी कुछ देती है इस प्रकार के सिग्नल। अगर आपने इन्हें इग्नोर किया तो हो सकती है आपको दिक्कत। दोस्तों, छुट्टियों का व ठंड का मौसम अब शुरू हो गया है। लोग रम और ब्रांडी को अपना सहारा मानकर अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां एंजॉय कर रहे हैं, शादी का माहौल है, हर कहीं कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि हम अनेक प्रकार से अपने पेट के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं अटरम सटरम खा के। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि अक्सर सर्दियों के समय पेट में दर्द की शिकायत क्यों हो जाती है? वैसे तो न इसका कोई तय समय है, न मौसम है, न ही तय शिकार, लेकिन लीवर की समस्या आसानी से किसी को भी हो सकती है। लीवर की बीमारी के पहले मरीज की बॉडी उसे कुछ सिग्नल देती है। क्या है वो, आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूर्ण विस्तार से। दर्द जो धीरे धीरे बढ़ता है, लीवर पेट के ऊपरी हिस्से में होता है और अगर उस हिस्से में अक्सर दर्द होता रहता है तो ये लीवर की बीमारी के संकेत है। ये दर्द अक्सर हल्का होता है और लगातार होता रहता है। अगर तीखा दर्द हो रहा है और कभी कभी होता है तो ये लीवर की बीमारी का संकेत नहीं है। लीवर का काम होता है हमारे शरीर में टॉक्सिन हटाना। आप पुराने जमाने में बेहतर खाने वाले या वो लोग जो खाने पीने को लेकर थोड़ा सचेत रहते थे, उनके लीवर के लिए काम आसान होता था, लेकिन फास्ट फूड और सोशल ड्रिंकिंग के शौकीन लोगों के लीवर को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। जब पेट में हल्का दर्द शुरू हो जाए तो ये संकेत होता है कि लीवर टॉक्सिक्स हटाने की जगह इसका आदि हो गया है और खाना ठीक तरह से पच नहीं पा रहा है। ये अक्सर आगे बढ़कर लीवर में सूजन या फिर लीवर में पानी भरने जैसी समस्याओं को नोता देता है। सूजन बढ़ना, लीवर में कोई दिक्कत हो रही है या इससे भी समझ आता है कि हाथ और पैरों में सूजन बढ़ने लगती है। ये सूजन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि लीवर एक दिन थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बल्कि ये सूजन इसलिए भी होती है क्योंकि लीवर को रोज का काम करने में ज़्यादा तकलीफ होती है। निशान, लीवर की समस्या वाले लोगों को आसानी से शरीर पर जगह जगह नील के निशान दिखाई पड़ जाते हैं। अगर शरीर पर बार बार नील पड़ रहे हैं और ये पता भी नहीं है कि क्यों हो रहे हैं तो यकीनन डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आसानी से खून निकल जाता है तो भी ये लीवर के डैमेज होने के संकेत है। इसका मतलब है कि लीवर सही प्रोटीन नहीं बना पा रहा है और ब्लड क्लॉटिंग होने लगी है। वजन बढ़ना, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, खाना भी ठीक तरीके से खा रहा है और वजन बढ़ने का कोई ठोस कारण नहीं मिल पा रहा है तो जांच करवाना जरूरी है। पहला शक तो इसके लिए थायराइड पर जाएगा। अगर वो भी ठीक है तो यकीनन लीवर की कोई समस्या होगी। ऐसा अक्सर तब होता है जब इंसान काफ़ी ज़्यादा शक्कर, फैटी खाना या शराब पिए या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहा हो जो लीवर पर सीधा असर कर रही है। खुजली, ये सुनने में भले ही अजीब लगेगा लेकिन ये पूरी तरह से सच है। लीवर की बीमारी के कारण शरीर में खुजली होना शुरू हो जाती है। स्किन पूरी तरह से आम दिखाई देगी लेकिन कुछ जगहों पर अचानक खुजली शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कई अन्य बीमारियों के लिए भी हो सकता है, परंतु फिर भी आप सचेत रहकर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थकान, आलस और थकान वैसे तो किसी भी इंसान के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर बात करें लीवर की बीमारी की तो इंसान का एकदम से थकना शुरू हो जाता है। हल्की हरारत भी लगती है और हर समय थका हुआ सा महसूस होता है। नाखून और आंखों के पीले होने को भी हम लीवर की खराबी की ओर इशारा ही समझते हैं कि पीलिया हो रहा है और लीवर काफ़ी खराब स्थिति में है। इसलिए आप तुरंत अपने आप को सचेत करें और डॉक्टर से संपर्क कर अपना इलाज शुरू करा दें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।